सुंदरनगर के पूर्व विधायक सोहनलाल ठाकुर ने पत्रकार वार्ता में कहा कि भाजपा से संबंधित छात्र संगठन आजकल विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों में जाकर काउंसलिंग के नाम पर सदस्यता की रसीदें काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि कम से कम स्कूली शिक्षा को राजनीति से दूर रखना चाहिए। उन्होंने पत्रकार वार्ता में वे रसीदें भी दिखाई। उन्होंने कहा कि ये गलत है और स्कूलों में इस तरह की छात्र राजनीतिक सदस्यता नहीं होनी चाहिए। ये कुछ एक बच्चे चुने गए जिन्होंने जिनकी काटी, भई अब आप काटेंगे, कितना चिंताजनक विषय। दिस इज नॉट अलाउड इन स्कूल्स। वही तो हम प्रमाण मेरे पास जो ये मैं दिखा रहा हूँ, ये बातर स्कूल का है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ इसके अलावा सुंदरनगर में पहली बार पानी की समस्या विकराल हुई है, मगर मजे की बात है कि आईपीएच विभाग मनाही के बावजूद कुछ रसूखदारों को नए कनेक्शन दे रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान विधायक उन बसों को हरी झंडी दिखा रहे हैं जिनके पूर्व मंत्रियों ने ही उन्हें शुरू किया था। उन्होंने कहा कि निहरी सीएचसी की पूरी प्रक्रिया पूर्व सरकार में पूरी हो गई थी, मगर अब दिखावे के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री फिर इसका शिलान्यास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुंदरनगर में वर्तमान सरकार पूर्व सरकार के कामों के शिलान्यास और उद्घाटन कर रही है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा उसका उद्घाटन किया गया, उसको पूरी तरह समर्पित किया गया था, उसका दोबारा उद्घाटन किया गया, ये 3 दिन पहले हुआ। और अभी एक और ऐसा ही इंसिडेंट यहाँ हुआ जो लहरठाणा बस को 2012 में, जबकि उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बस सेवा शुरू की गई थी, बस रूट सेंक्शन हुआ था लहरठाणा जनोड के लिए और उस पर नियमित रूप से बस चलती थी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण दिवस के नाम पर हरियाली का संदेश तो दिया जा रहा है, मगर जंगलों को आग लगाने वाले आज तक नहीं पकड़े गए। उन्होंने कहा कि सुंदरनगर का कोई जंगल नहीं है जो आग के हवाले ना हुआ हो। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार सुंदरनगर के लिए कुछ नहीं कर पाई। टूरिज्म के नाम पर करोड़ों की घोषणा करने वाले गाँव के लिए लिंक रोड भी पक्के नहीं कर पाए। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट।